इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुलियान जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की मंगल आशीर्वाद से आयोजित भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महामहोत्सव के प्रेरणादायक दृश्य। ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल प्रांत के जिला मुर्शिदाबाद की धार्मिक धरा धुलियान स्थित सकल दिगंबर जैन मंदिर में 22 से 24 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, इस कार्यक्रम की अद्भुत बात ये रही कि इसमें परम पूज्य संस्कार दर्शिका श्रमणी ज्ञान मूर्ति गणनी आरिका शिरोमणि गुरुमा 105 विंध्या श्री माता जी ससंग ने अपने कर कमलों से ग्रस्तावस्था की अपनी ही जननी माँ दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी पार्वती जैन जी को दीक्षा संस्कार देकर उनके वैराग्य मार्ग को प्रशस्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी साक्षी बनते हैं ऐसे अविस्मरणीय गतिविधियों के। पश्चिम बंगाल प्रांत के प्रसिद्ध शहर मुर्शिदाबाद की पावन धरा धुलियान स्थित सकल दिगंबर जैन मंदिर में 22 से 24 अक्टूबर 2023 के मध्य परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य संस्कार दर्शिका श्रमणी ज्ञान मूर्ति गणनी आरिका शिरोमणि गुरुमा 105 विंध्या श्री माता जी ससंग ने अपने ग्रस्तावस्था की जननी माँ दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी पार्वती जैन जी को दीक्षा संस्कार देकर उनके वैराग्य पथ को प्रशस्त किया। इस भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संस्कार महामहोत्सव के अंतर्गत 22 अक्टूबर 2023 को कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थी पार्वती जैन जी एवं उनके धर्म के माता पिता भोपाल निवासी श्री निरंजन कुमार जी जैन एवं श्रीमती क्रांति जी जैन का माला मुकुट आदि से अभिनंदन करने के साथ हुई। इस बीच नन्ही बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी तो वहीं श्राविकाओं द्वारा दीक्षार्थी जी को मेहंदी आदि लगाई गई। मेहंदी आदि क्रियाओं के दौरान बच्चों किशोरियों एवं श्राविकाओं के सामूहिक भक्ति नृत्य ने वातावरण में भक्ति का रंग भर दिया तो वहीं पूज्य गुरु माँ के वैराग्य पथ को दर्शाते नाटक के मंचन ने सभी को प्रेरणा से भर दिया। ये आलू का सब्जी नहीं खाना बेटा। क्यों नहीं खाना चाहिए माँ? बेटा, हमारे जैन धर्म में आलू की सब्जी नहीं खाते हैं। क्या होता है अगर आलू की सब्जी खा ली तो? बहुत बड़ा पाप लगता है। कौन देता है हमें पाप? भगवान देख रहे हैं ना, वो हमें देंगे पाप। भक्ति आनंद के इस वातावरण में श्राविकाओं ने ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थी जी के धर्म के माता पिता को भी मेहंदी आदि लगाई। अब समय था दीक्षार्थी जी की गोद भराई का। सौभाग्यशाली परिवारों ने दीक्षार्थी जी की विभिन्न सामग्री एवं अष्ट द्रव्यों से गोद भराई कर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेते हुए अपना जीवन धन्य किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बिनौली यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों एवं जय घोषों के मध्य दीक्षार्थी जी को आकर्षक रथ में विराजमान कर बिनौली यात्रा निकाली गई। बिनौली यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर दीक्षार्थी जी एवं उनके धर्म के माता पिता को पारिवारिक सदस्यों एवं सौभाग्यशाली परिवारों ने हल्दी आदि लगाने की मांगलिक क्रियाएं की।
हल्दी आदि की क्रियाओं के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं एवं ग्रस्त जीवन के परिजनों ने पुनः दीक्षार्थी जी की गोद भराई कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य प्रतापी श्रावकों ने तीर्थंकर की शांति धारा करने के साथ ही शीतलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू अर्पित कर मंगल भावना भाई। ओम नमो रते भगवते मूर्धन्वासी शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशने सर्व रोग अमृत विनाशने सर्व परकृच्छद उपद्र विनाशने सर्व चामर डामर विनाशने ओम ह्राम ह्रीं रूम रवरास यौशनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम रोम छुम बट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे। जुलूस के कार्यक्रम स्थल पहुंचने एवं पूज्य माता जी के उच्चासन ग्रहण करने के साथ ही सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरु माँ को पिच्छी वस्त्र एवं जिनवाड़ी जी आदि भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। भाव निशा करा सद्बोध भानु विभा विभासित। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं को परम पूज्या श्रमणी आरिका श्री 105 विद्वत श्री माता जी की प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धर्म ध्यान के माध्यम से, संयम नियम के माध्यम से वह सुकुल करने का शुभ करने का प्रयास किया तो आज प्रयास आज उनका कहते हैं सक्सेसफुल होने वाला है, पूर्ण होने वाला है, सफल होने वाला है। इस उम्र में बंधो अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं मेरा इलाज करा दो, मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मुझे ये भा नहीं रहा तो मुझे ये भोजन करा दो, लेकिन उनकी आकांक्षाएं सारी मर चुकी है। लेकिन उन्होंने अपनी एक आकांक्षा को मारा तो एक दूसरी आकांक्षा को पल्लवित कर दिया, वह दूसरी आकांक्षा है मोक्ष मार्ग। प्रवचन के पश्चात ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थी जी ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित किया तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य संतों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के उपरांत आचार्य पूजन करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य संतों एवं पूज्य गुरु माँ के निमित्त अष्ट द्रव्य अर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। के हमारे जागे हैं गुरु माँ का सानिध्य पाए हैं, चरणों में इनके रह करके जीवन सफल बनाएंगे, इनसे मिली है ज्ञान की छैया। अब समय आया दीक्षा संस्कार का। सर्वप्रथम धर्म के माता पिता ने वैराग्य पथ के लिए ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थी जी को गुरु माँ को सौंपा एवं दीक्षार्थी जी ने गुरु माँ को श्रीफल आदि अर्पित कर दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। अपनी पुत्री को गुरु माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। गुरु माँ के चरणों में बस यही भावना है, गुरु माँ के चरणों में बस यही भावना है। तो इसी भावना के साथ श्रीफल अर्पित किया और माता पिता ने भी अनुमोदना के साथ गुरु माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित है ना कि वापिस ले जाना है, नहीं ले जाना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य संस्कार दर्शिका श्रमणी ज्ञान मूर्ति गढ़नी आरिका शिरोमणि गुरु माँ 105 विंध्य श्री माता जी ने काव्य के माध्यम से जीवन के सार को बताते हुए दीक्षा संस्कार के महत्व को समझाया। सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, पानी में पवित्रता नहीं फिर भी पीते जा रहे हो, जरा आँख खोल कर देखो बंधुओ, जरा आँख खोल कर देखो बंधुओ, इस जीवन में कोई सार नहीं फिर भी जीते जा रहे। भवात्माओं आज यहाँ पर दीक्षा महोत्सव है, किसके लिए आए हो? दीक्षा देखने आए हो ना, ऐसे आए हो लग रहे हो और कहीं से आए हो, लेने आए हो कि देखने आए हो? देखने आए, बहुत बढ़िया बात। आज दीक्षा देख रहे हो
एक दिन ऐसा आएगा कि दीक्षा लेकर के ही हमारा समाधि मरण होगा, क्योंकि अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग ही किया करते हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग करते हैं, नारकी लोग कभी अनुमोदना करने नहीं आते। अब शुरू हुई दीक्षा संस्कार की क्रियाएं। संघस्थ माताजी एवं साध्वियों के साथ पूज्य गुरु माँ द्वारा दीक्षा संस्कार की क्रियाएं प्रारंभ की गयी। ओम नमः शिवाय उषा ह्रीम स्वाहा। 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 दीक्षा संस्कार की क्रियाओं के क्रम में पूज्य गुरु मां ने ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थी जी का शुल्लिका श्री 105 अतिशा श्री माता जी के रूप में नामकरण संस्कार किया। इस दौरान जय घोषों से वातावरण गुंजायमान हो गया। आरिका बिंद श्री तथा मम शिष्या शुल्लिका 105 अतिशय श्री माता जी। अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थी जी ने पूज्य शुल्लिका श्री 105 अतिशय श्री माता जी के नाम से अलंकृत हुई। माता जी ने अपने धर्म के माता पिता को श्रीफल प्रदान किया, तो वहीं पूज्य शुल्लिका श्री के परिजनों ने उन्हें पिच्छी का मंडल शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दीक्षा का ये उत्सव आया गुरु माँ को वंदना, मिलकर के मनाए इस प्यारे से उत्सव को हम। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों एवं गणमान्य श्रावक श्राविकाओं का तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टिका आदि पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 23 अक्टूबर को श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरु माँ एवं पूज्य शुल्लिका श्री का पड़गाहन कर आहारचर्या कराई। इस बीच विधानाचार्य जी, विशिष्ट जनों, पदाधिकारियों एवं महिला मंडल की सदस्याओं ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अभी 50 दिन का महार्चना बहुत धूमधाम से हुआ, उसके बाद 10 लक्षण पड़म भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। अभी 22 तारीख को माता जी का जन्मदिन, माता उनका दीक्षा समारोह बड़े धूमधाम से हुआ। पश्चिम बंगाल की धर्मनगरी धुलियान में पूज्य गणाचार्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की ऐसी शिष्या जो जिन धर्म की ध्वजा पताका को चारों ओर लहरा रही हैं, गढ़नी आरिका विंद श्री माता जी, जिनका मांगलिक चातुर्मास इस वर्ष धुलियान की पावन नगरी में हुआ। आज हमारे धुलियान समाज का महाभाग्य है, सौभाग्य है कि आज इस धरा पर गढ़नी आरिका विंद श्री माता जी का चतुर्मास कराने का परम सौभाग्य इस धुलियान धरा को प्राप्त हुआ है। इधर पदाधिकारी महोदय ने मंदिर के विषय में विशेष जानकारी दी, तो वहीं परम पूज्य श्रमणी आरिका श्री 105 विद्वत श्री माता जी ने अपने विशेष संदेश दिए। आप जो ये भव्य जिनालय का दर्शन आपको हो रहा है, ये हमारे दुलियान का भव्य 1008 भगवान महावीर स्वामी का जिन मंदिर है। इसके पहले ये तीसरी बार दुलियान बसा हुआ है। दो दुलियान यहाँ जो सामने नदी बह रही है, इस नदी में दो दुलियान पहले नदी में चला गया है, कट गया है, उसके बाद ये हमारा तीसरा धुलियान है। हमारा ये जिन नया जिन मंदिर, इसके पहले एक भव्य जिनालय हुआ करता था। जगह के अभाव में मंदिर भी काफ़ी जर्जर हो चुका था। उसके लिए 2006 में परम पूज्य गुरुवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी धुलियान आए थे।
उनकी प्रेरणा से एक दिन की स्वीकृति में इस भव्य जिनालय को निर्माण करने का समाज ने वीरा उठाया, जो 2006 में इस जिनालय का शिलान्यास हुआ और 2013 में एक भव्यता भव्य पंचकल्याणक के माध्यम से इस जिन मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह परम सौभाग्य का दिन था कल धुलियान नगरी के लिए, जहाँ पर जीवन के अंतिम पड़ाव में अपमानव रत्न में वह सम्यक चारित्र को प्राप्त करने वाले विरले ही जीव होते हैं। दर्शन और ज्ञान हो जाता है लेकिन चारित्र होना बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसी दीक्षा प्रदात्री गणनीय अर्क गुरुमाईशा विंदुषी माता जी की ग्रस्त जीवन की माँ, जिन्होंने कल अपने चारित्र को ग्रहण किया और अपने जीवन का लोक शिखर का एक कलश धारण करवा लिया है। अब इस कलश में वह जीवन के और बढ़ते हुए, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता, और परम पूज्य गणाधरेश्वर विराग सागर जी महाराज का वह मंगल आशीष और गुरु माँ के निर्देशन और स्वयं के हाथ से वरदहस्त से दीक्षा हुई, यह धुलियान के लिए नहीं सारे जगत के लिए एक उदाहरण बन गया कि जन्मदात्री माँ के द्वारा बेटी के द्वारा ही माँ का पुनः जन्म हुआ। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरु माँ के निमित्त अपनी भक्ति भावना प्रकट की, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पुस्तिका का विमोचन करने के साथ ही अपने विचार प्रकट किए। जो चतुर्मास कलकत्ता में होना था, इसके पूर्व माता जी की भावना हुई थी शिखर जी में करेंगे, शिखर जी से फिर कलकत्ता की तरफ में लोगों की भावना आई, तो चतुर्मास होना था कलकत्ता में और धुलियान वालों को प्राप्त हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार ही समझूंगा मैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में समापन दिवस पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ साध्वियों आरिकाश्री एवं पूज्या गुरु माँ की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने गुरु माँ के प्रथम दर्शन 1 मई 2006 में कांकरिया तलाई MP में किए थे। गुरु माँ के दर्शन करने के बाद उनके पास से आने का मन ही नहीं किया। गुरु माँ का वात्सल्य इतना मिला कि उनके पास से आने का मन ही नहीं हुआ। आज का यह गुरु उपकार दिवस जो है वह ऐसा विशेष दिन है जो हमारे इस जीवन की सांसों से लेकर अंतिम सांसों तक, अंतिम क्षणों तक जुड़ा रहेगा। ये मुनिराज अर्थात वैराग की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब कर रहे हैं तो राजकुमार को बड़ा अद्भुत संयोग लगा। उन्होंने कहा ठीक है, ससुराल से मिलकर आते हैं परिजनों से, और परिजनों से आने के बाद हम साले साहब से मिलेंगे। पहला जन्म माता पिता के देते हैं, माता पिता के माध्यम से हमारा जन्म होता है। दूसरा जन्म हमको गुरु देते हैं, दीक्षा देकर के गुरु हमारे जीवन को मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल राज्य की ऐतिहासिक नगरी मुर्शिदाबाद के धुलियान स्थित सकल दिगंबर जैन मंदिर में 22 से 24 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संस्कार महामहोत्सव की यादगार गतिविधियों को निहारा। दर्शकों, आपने देखा कि परम पूज्य संस्कार दर्शिका श्रमणी ज्ञान मूर्ति गणनी आरिका शिरोमणि गुरुमा 105 विंध्यश्री माताजी ससंग ने अपने ही जन्मदात्री को दीक्षा संस्कार देकर एक अभूतपूर्व एवं समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुलियान जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल।